प्रोटीन पाउडर लेने से बॉडी बन जाता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है वैसा। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आपका बजट बहुत ही लो है, अगर आप वे प्रोटीन खरीदने में थोड़ा हिचकिचा रही हो क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ चुका है, बजट का इशू है, तो मैं एक ऐसी फूड लेकर आया हूँ जो कि आपको सिमिलर रिजल्ट देगा वे प्रोटीन का, और कॉस्ट बहुत ही कम होने वाला है, और अगर आप इसे यूज़ कर लेंगे ना तो आपको वे प्रोटीन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ये फूड बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सिंपल सा कैलकुलेशन बता देता हूँ आप लोगों को इजी करके, कि अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो भाई वे प्रोटीन का एक स्कूप आपको देता है 24 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। और अभी के टाइम पे जो मार्केट का रेट है ना चल रहा है, उस वजह से पकड़ लूँ तो मैं एक स्कूप का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 50 से 62 रुपीस के करीब, ठीक है। लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, मैं जो फूड बताऊँगा ना आपको, जो प्रोटीन सोर्स बताऊँगा ना, उसका कॉस्ट पता है कितना आ गया, सिर्फ 20 रुपीस। और मिलेगा कितना प्रोटीन भाई, 24 ही मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन प्राइस होगा इधर 20 इधर होगा 50 60। तो कौन सा है ना, जानने का इच्छा हो रहा है तो बता देता हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ एग्स की। एग्स अगर आप 4 लेते हो, ठीक है, अगर 4 एग्स लेते हो तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, और कॉस्ट पड़ेगा 20 रुपीज़, क्योंकि एक का प्राइस होता है, ओके, एक का प्राइस होता है 5 रुपीस। तो अगर आप 4 एग्स लेते हो तो 4 × 5, तो इसका मतलब हो जाता है 20 रुपीस, और मिलेगा वो 24 ग्राम रुपीस, क्योंकि एक एग में, ठीक है, 1 egg = 6 gm protein, 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है, 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और एक का प्राइस होता है 5 रुपीस। तो भाई ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसमें आपको पता लग रहा है कि अगर आप एग्स कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और रुपीस पड़ेगा 20 रुपीस। तो इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो भाई, फ़ायदेमंद आपको एग्स में मिल रहा है, कम पैसों में आपको सिमिलर प्रोटीन मिल रहा है, और भाई इफेक्टिव भी है, सिमिलर बैठेगा। तो एक चीज़ अभी आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि अगर मैं एग्स कंज्यूम करूँगा तो उसमें तो मुझे फैट भी मिलेगा, ठीक है, कैलोरी भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें मिल रही है, लेकिन वे प्रोटीन के में तो ये सब चीज़ें है नहीं, और पूरा क्लीन है। लेकिन एक चीज़ बता दो भाई, देखो इसमें जो फैट मिल रहा है, कैलोरी मिल रहा है, ये आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि आप अगर इस फैट को यूज़ करते हुए कर रहे हो, मतलब एग्स, होल एग्स खा रहे हो, तो फिर आपका तोन निकल जाएगा, ठीक है, आपका कटिंग्स नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गलत है। रिसर्च में पता चला है अगर आपको होल एग खाओगे ना तो फिर भाई आपको रिजल्ट बेटर मिलता है, ठीक है। और मेरी बात मत सुनो, लेकिन भाई अगर आप अर्पित मंगल और जितने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, लाइक भगवान जी है, जीतान जी, उनके वीडियो में जाके भी देखोगे तो उन्होंने भी इस चीज़ को डिस्क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और भाई एक चीज़ हो सकता है कि आप लोग बोलोगे कि इसका तो डाइजेशन फास्ट होता है, इसका तो लो होता है। हाँ, ये तो चीज़ सही है कि वे प्रोटीन का डाइजेशन फास्ट है और एग्स का कम, क्योंकि अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो वे प्रोटीन पर आवर, ठीक है, पर आवर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है 10 से 12 ग्राम, ठीक है। वहीं पर अगर आप एग्स ले रहे हो तो एग्स पर आवर आपको बॉडी में एब्जॉर्ब होता है करीबन 3 ग्राम की करीब, यस 3 ग्राम के करीब। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये समझ लो कि हाँ डाइजेशन में थोड़ा स्लो है, लेकिन रिजल्ट आपको सेम देगा, और इतना तो भाई चलता है, क्योंकि आपका अगर बजट नहीं है इसे खरीदने का तो आपको तो इतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है भाई, ऐसा नहीं कि ये स्लो डाइजेस्ट होगा तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मसल ग्रोथ होगा, स्लो होने से कुछ भी नहीं होता भाई, सिमिलर प्रोटीन मिलने वाला सोर्स, तो आपको ग्रोथ होगा
और सिमिलर रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छे से मसल को बिल्ड भी कर सकते हो। और एक चीज़ जान लो भाई, लोग में मिथ है कि प्रोटीन पाउडर लेने से बॉडी बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मतलब कि सब्स्टिट्यूट। अगर आप डेली लाइफ में जो भी खाते वाते हो, ठीक है, ठीक से अगर डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और तब जाके आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, ये टाइम कंज्यूम बचाता है, ठीक है। और नहीं तो अगर आप ठीक ठाक डाइट मेंटेन कर पा रहे हो तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ता ही नहीं। तो भाई इसे आप यूज़ कर सकते हो एग्स को, और मसल को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। लो कॉस्ट है, अगर बजट कम है तो इसे ज़रूर यूज़ करना। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बाय।